नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे आरजी सपोर्ट बाय यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में जो है कि आप लोगों को बताने वाला हूँ कि आप जो है कि अपने फ़ोन का या फिर अपने दोस्त के फ़ोन का जो कि कीबोर्ड होता है उसे आप कैसे हाइड कर सकते हो, उसे कैसे आप छुपा सकते हो बिना उसे पता चले। वो ढूंढता रहेगा कहाँ पे कीबोर्ड, टाइप करने के लिए कहीं पर भी जाएगा तो वहाँ पर कीबोर्ड ही नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले आपको इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, इसका नाम है नो कीवर्ड, और इस एप्लीकेशन का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो वहीं से आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद ओपन कर लेना। तो जैसे आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद ओपन करोगे तो कुछ इस तरीके से ओपन होगा। यहाँ पर आपको इनेबल इन सेटिंग के ऊपर आपको क्लिक करना है, और इसे जो है कि यहाँ पर जो है कि आपको देखना है कहाँ पर ये एप्लीकेशन है। तो यहाँ पर चले भी हम देख लेते कहाँ पर है। तो अभी आप देखोगे ये नो कीबोर्ड है और यहाँ पर मैंने इसे ऑन करके रखा हुआ है, तो आप इसे ऑन कर लेना। उसके बाद सिलेक्टेड इनपुट, यहाँ पर आपको यहाँ पे नो कीबोर्ड वाला जो ऑप्शन है इसे सिलेक्ट कर लेना है। और उसके बाद अगर आप कहीं पर भी कुछ भी टाइप करने के लिए जाओगे तो वहाँ पर जो है कि ये खुलेगा नहीं। अभी मान लीजिए मैं यूट्यूब के अंदर आता हूँ और यहाँ पर अगर कुछ भी मैं लिखना स्टार्ट करूँगा तो यहाँ पर आप देख सकते हो मेरा कीबोर्ड ही नहीं ओपन हो रहा है। यहाँ पर आप देखोगे नीचे की इस तरीके से आ रहा है, इसे भी पूरा बंद कर देना, ठीक है। यहाँ पर आप देखोगे आपको ये नहीं ढूंढ सकता कि कहाँ पर मेरा कीबोर्ड है, और इसे हाईलाइट कर दोगे तो यहाँ पर इस तरीके से दिखेगा। तो हमें ये चीज़ दिखानी नहीं थी, इसे नीचे करना था। और अब मान लीजिए अगर आपका फ़ोन है, अगर आप चाहते हो कि यार इसे वापस लाना है, तो यहाँ पर आपको एक कीबोर्ड मिलेगा। अगर आप जब इसे बंद कर दोगे तो आपके दोस्त को इतना दिखेगा नहीं कि कहाँ पर है, मतलब वो तो इस तरीके से क्लिक करेगा उसे इतनी जल्दी कीबोर्ड नहीं दिखेगा। लेकिन अगर आप इसे हाईलाइट कर दोगे इस तरीके से तो वो देख लेगा कि हाँ ये क्या निकल के आ रहा है। तो यहाँ पर जैसे आप इसे आप थोड़ा उसकी जो ब्राइटनेस है वो हाई करके उसके बाद यहाँ पर अपना कीबोर्ड सिलेक्ट कर लेना, ठीक है, जो भी आपका कीबोर्ड हो। तो यहाँ पर मेरा वीवो का, तो अभी मैंने वीवो का कीबोर्ड सिलेक्ट किया, तो अभी आप देख सकते हो कीबोर्ड मेरा आ चुका है। तो इस तरीके से इस चीज़ को सही कर सकते हो और इसे लगा सकते हो अपने दोस्त के फ़ोन में। सो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक जरूर करना, और अगर आप मेरे इस यूट्यूब चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज़ मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाना कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिल